हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा। आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, जिसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था यंग का द्विशील्ड प्रयोग, यंग डबल शील्ड एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। ओके, इसके अंदर अपन ये पढ़ा था कि जब अपन किसी एक सोर्स को एक आयताकार कागज से गुजारते हैं, यहाँ पर अपने पास क्या है, दो शील्ड है, तो स्क्रीन के ऊपर अपने को मिलती है दीप्त व अदीप्त फ्रिंज, वो भी एकांतर क्रम में मिलती है। क्या मिलती है? एकांतर क्रम में अपने को मिलती है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजें मिलती है। ओके, अब देखो, तो ये अपने कम्प्लीटली कर लिया था। तो जो अपने पास यंग था, थॉमसन यंग अपने पास था, उसने दिया था, ये एविडेंस दिया था, एक्चुअली में ये बताया था, एक्सपेरिमेंट करके बोला था कि जो अपने पास वेव होती है, सॉरी, जो अपने पास लाइट है वो एक वेव की फॉर्म में क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, गमन करती है। इसका एविडेंस दिया था यंग, थॉमसन यंग ने। ओके, तो ये तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब आज अपन पढ़ेंगे फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई या फ्रिंज अंतराल। फ्रिंज विस्थापन भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये अपन फाइंड आउट करेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई या फ्रिंज विस्थापन कितना होता है। अब देखो, अपने पास क्या होता है, इस तरह से ये अपने को ब्राइट डार्क इस तरह से एकांत क्रम में अपने को फ्रिंजें मिली थी। ओके, अब देखो, ये अपने पास क्या है, ब्राइट फ्रिंज है, ये अपने पास क्या है, ब्राइट फ्रिंज है। सो हाँ, ये अपने पास क्या, दोनों ब्राइट फ्रिंज है। तो इनका जो विस्थापन अपने पास होगा, इनका जो अपने पास दूरी है, ये दूरी, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है फ्रिंज विस्थापन। ये अपने पास क्या है, दीप्त फ्रिंज का विस्थापन, दीप्त फ्रिंज विस्थापन अपने पास है। अब देखो, ये अपने पास क्या है, ब्राइट है, ये अपने पास डार्क है, इतना क्या है, डार्क है। तो ये किसके बराबर होगा, दीप्त फ्रिंज का विस्थापन किसके बराबर होगा, ये अपने पास बराबर होगा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के। किसके बराबर होगा, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होगा। देखो, इतनी चौड़ाई है अदीप्त फ्रिंज की, और ये अपने पास क्या है, दीप्त फ्रिंजों का विस्थापन है, ये रहा, ठीक है। तो दीप्त फ्रिंज का विस्थापन जो होता है वो बराबर होता है अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की। ओके, तो ये अपन फाइंड आउट करेंगे। अब जो अपने पास फ्रिंज की चौड़ाई होगी, इन फ्रिंजों की चौड़ाई अपने पास जो होगी, या बोल सकते हैं ये अपने पास क्या है, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई, और ये अपने पास क्या है, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। यहाँ पर थोड़ा आपने चौड़ा कर दिया, बट एक्चुअल में ये इस तरह बनेगा, इनकी चौड़ाई बराबर आएगी। इनकी क्या आएगी, जो अपने पास ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई है वही उतनी ही होगी अपने पास डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। तो ये अपन अभी फाइंड आउट करेंगे। देखो, तो बेसिकली अपने पास क्या था, एक पॉइंट सोर्स था, एक मोनोक्रोमेटिक अपने पास क्या था, पॉइंट सोर्स था, इस तरह से। यहाँ पर अपने पास एक आयताकार कागज है, ये अपने पास एक आयताकार कागज है जहां पर मैंने दो छेद कर दिए। तो ये अपने पास क्या था, S1, और ये अपने पास S2 था, इनको स्लिट भी बोलेंगे। यहां पर अपने पास क्या है, ये अपने पास है स्क्रीन, पर्दा। ओके, यहाँ पर एक पी पॉइंट है, यहाँ पर क्या है अपने पास, एक पी पॉइंट है। ओके, एंड ये अपने पास क्या है, सेंटर ओ है, यहाँ पर ओ सेंटर है, ये अपने पास पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट के ऊपर अपन निकालेंगे तीव्रता कितनी है, यहाँ पर क्या निकालेंगे, तीव्रता। अब देखो,
इसकी दूरी क्या है, डी अपने पास है, डी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इतनी ये जो अपनी दूरी है वो क्या होगी, वो होगी डी बाई टू, इतनी क्या होगी डी बाई टू, नीचे भी क्या होगी डी बाई टू होगी, क्योंकि ये अपने पास क्या है एक सेंटर की एक्सिस है। ओके तो ये है अपनी डी बाई टू, ये भी डी बाई टू और ये अपने पास है एक्स, पी पॉइंट की ओ से दूरी कितनी है एक्स अपने पास है। ओके आगे देखिए, तो अपन यहाँ पर बेसिकली निकालेंगे फतांतर कितना है, दोनों तरंगा अपने पास फतांतर कितना है, मीन्स एस टू पी माइनस एस वन पी, जो अपने पास दूसरी तरंग है ये वाली, ये तरंग इससे कितनी आगे है, जो अपनी दूसरी तरंग है एस टू पी है वो तरंग एस वन पी से कितनी आगे है वो अपन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जब अपने पास फतांतर आएगा तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, एस टू पी निकालेंगे, ओके एंड निकालेंगे एस वन पी, क्या निकालेंगे एस टू पी और एस वन पी अपन निकालेंगे, उसके बाद इनका डिफरेंस करके अपन फाइंड आउट करेंगे पाथ का डिफरेंस कितना है। ये निकालने के बाद अपन निकालेंगे फ्रिंज चौड़ाई, या बोल सकते हैं फ्रिंज विस्थापन, ये अपन फाइंड आउट करेंगे। ओके आगे देखिए, तो दो क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज विस्थापन या फ्रिंज अंतराल, दो क्रमागत दीप्त मीन्स क्रमागत दीप्त होनी चाहिए, ये क्या है क्रमागत दीप्त है, लगातार दीप्त है। ओके ऐसा जैसे ये अपने पास दीप्त है अदीप्त, दीप्त अदीप्त, ये वापस दीप्त, तो इस तरह ये अपने पास फ्रिंज विस्थापन नहीं होगा, ये अपने पास का फ्रिंज विस्थापन नहीं होगा, दो लगातार होनी चाहिए, ये अपने पास क्या है लगातार है। ओके देखो आगे, फ्रिंज या फ्रिंज अंतराल को ही क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं, को ही फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, अब जो अपने पास ये दूरी है ये पर्दा है, तो आयताकार कागज से पर्दे की दूरी अपने पास क्या है, कैपिटल डी है, कितनी है कैपिटल डी अपने पास है। ओके तो आयताकार गत्ते से डी दूरी पर पर्दा रखा गया है तथा, तो दोनों अपने पास सील्ड है, इनकी दूरी क्या है वो स्मॉल डी अपने पास है। ओके तथा दोनों सील्ड के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, केंद्र ओ से एक्स दूरी पर अपने पास क्या है कोई पी बिंदु है, केंद्र ओ से एक्स दूरी पर क्या है पी बिंदु है, ठीक है। अब जो अपने पास केंद्र है यहाँ पर अपने को मिलती है एक दीप्त फ्रिंज मिलती है, और जो अपने पास तरंग है परिणामी तरंग उसकी तीव्रता क्या होती है वो भी अपने पास क्या होती है मैक्सिमम होती है, आयाम भी अपने पास क्या होता है अधिकतम होता है। ओके तो सेंटर के ऊपर अपने को मिलती है एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ठीक है आगे देखिए, केंद्र ओ पर अधिकतम तीव्रता की तरंग मिलती है, तरंग प्राप्त होती है ठीक है, अतः केंद्र ओ पर दीप्त फ्रिंज बनती है,
जब तीव्रता अधिकतम फ्रिंज दीप्त मिलती है, जब तीव्रता न्यूनतम तो मिलती है अदीप्त फ्रिंज अपने को। ओके आगे देखिए, अब अपने को निकालना फतांतर। फतांतर क्या होता है कि जो अपने पास दोनों वेव है इनके मध्य पाथ का डिफरेंस कितना है, इसको डेल से डिनोट करेंगे। देखो तो एस टू पी माइनस होगा एस वन पी के। अब ये जो अपने पास तरंग है ये वाली, ये थोड़ा ज़्यादा पार्ट ट्रेवल करती है कंपेयर टू एस वन पी के। ओके तो एस टू पी माइनस करेंगे अपन एस वन पी, क्या करेंगे माइनस करेंगे एस वन पी। ओके देखिए आगे, तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे एस टू पी। अब ये अपने पास क्या है, कोई ए बिंदु है, इसको ए नाम दिया, इसको नाम दिया बी। ओके अब देखो ये अपने पास दूरी कितनी है पी, और दूरी कितनी है एक्स है, पी ए कितनी है, देखो ये एक्स है पूरी, ये डी वाई टू है, तो ये कितनी होगी पी ए क्या होगा एक्स माइनस डी वाई टू होगा, और पी बी क्या होगा एक्स प्लस डी वाई टू होगा। ओके देखिए तो पी ए क्या होगा एक्स माइनस डी वाई टू, पी बी क्या होगा एक्स प्लस डी वाई टू होगा। तो अपन यहां पर यूज करेंगे ट्राइंगल पी ए एस वन, तो अपने पास क्या होगा करंट का स्क्वायर, देखो ये ट्राइंगल यूज करेंगे, ये अपने पास क्या है 90 डिग्री का एंगल है, तो एस वन सॉरी पी ए एस वन ये यूज करेंगे। ओके तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये अपने पास क्या है डी है, ये अपने पास क्या है एक्स माइनस डी बाई टू है। ओके तो अपन यहाँ पर इसका यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, तो कर्ण का स्क्वायर अपने पास कितना है एस वन पी का स्क्वायर बराबर है पी ए स्क्वायर प्लस एस वन ए स्क्वायर, इसका मान कितना है पी ए का मान अपने पास है एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, इसका माना कैपिटल डी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे इस डी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो एस वन पी डी स्क्वायर कॉमन आएगा वन प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अपन इस साइड लेकर जाएंगे तो अपने पास क्या होगा एस वन पी इक्वल कैपिटल डी वन प्लस एक्स माइनस डी ए बाई टू का स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर की पावर वन बाई टू। ओके अब देखो यहाँ पर साइड में एक स्टेटमेंट सॉरी एक फॉर्मूला लिखो कि अगर अपने पास इस तरह हो वन प्लस एक्स की पावर एन हो, इसका होता वन प्लस एन एक्स जब एक्स क्या हो एक से बहुत कम हो, जब क्या हो एक्स का मान एक से बहुत कम हो, इस केस में इसके पावर एन को लिख सकते हैं वन प्लस एन एक्स, ये अपने पास क्या है एक से बहुत कम है। ओके देखो इन द केस अपने को इसको साइड में लिख लेना फॉर्मूले को। ओके तो अगर अपने पास एक्स बहुत कम हो उस केस में अपन लिख सकते हैं वन प्लस एक्स की पावर एन को वन प्लस एन एक्स, यहाँ पर एन क्या है वन बाई टू है, तो एस वन पी अपने पास क्या होगा डी वन प्लस एन क्या है वन बाई टू, वन बाई टू एक्स अपने पास ये है एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर इस तरह से, तो एस वन पी इस डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई टू ओके, तो एस वन पी अपने पास क्या आएगा एस वन पी इक्वल कैपिटल डी प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू डी, यहां पर क्या पावर वन है यहां पर पावर टू है, तो एक पावर से क्या होगा एक पावर अपने पास कैंसिल होगा। ओके आई देगी तो ये अपने पास है समीकरण नंबर दो। अब निकालेंगे अपन एस वन एस टू पी, क्या निकालेंगे एस टू पी, तो ट्राइंगल पी बी एस टू सी, तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा देखिए ये ट्राइंगल है पी
बी एस टू, ये वाला। तो एस टू पी का स्क्वायर बराबर होगा पी बी का स्क्वायर प्लस एस टू बी स्क्वायर, ओके। करण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस होगा लंब के स्क्वायर के बराबर, ओके। अब देखो ये अपने पास क्या कैपिटल डी, और ये अपने पास क्या है एक्स प्लस डी बाई टू है, ठीक है। तो एस टू पी का स्क्वायर इक्वल पी बी स्क्वायर, या लिख सकते हैं पहले एस टू बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ठीक है। तो एस टू पी का स्क्वायर अपने पास क्या होगा, ये अपने पास है कैपिटल डी का स्क्वायर, और ये अपने पास है एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। पी बी अपने पास क्या है एक्स प्लस डी बाई टू अपने पास है, ओके। अब देखो आगे, अब यहाँ पर डी स्क्वायर अपन बाहर लेंगे, तो एस टू पी इक्वल डी स्क्वायर बाहर लिया तो अंदर बचेगा वन प्लस एक्स प्लस डी बाई स्क्वायर अपॉन टू डी स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो एस टू पी स्क्वायर, अब करेंगे देखो इस स्क्वायर को अपन इस साइड लेकर जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा एस टू पी डी वन प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू डी स्क्वायर, इसकी पावर क्या होगी वन बाई टू अपने पास होगी, क्या होगी इसकी पावर होगी वन बाई टू, ठीक है। तो एस टू पी, अब देखो अगर अपने पास x क्या हो, ये टर्म एक से बहुत कम हो तो अपन लिख सकते हैं वन प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, एन अपने पास क्या है वन बाई टू अपने पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे वन प्लस वन बाई टू एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू डी स्क्वायर, ओके। इस d को करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा एस टू पी इक्वल डी डी बाई टू एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पावर एक है, यहाँ पर पावर दो, तो एक पावर से क्या होगा एक पावर अपने पास कैंसिल आउट होगा, ओके। देखिए आगे, तो एस टू पी इक्वल कैपिटल डी प्लस एक्स, यहाँ पर टू नहीं आएगा, एक ही टू आएगा यहाँ पर, अपने पास दो बार टू नहीं आएंगे, एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू डी, ठीक है। ये अपनी है समीकरण नंबर तीन। तो समीकरण एक में मान रखेंगे किसका, एस टू पी व एस वन पी का मान रखेंगे, तो समीकरण एक से, समीकरण एक में दो व तीन से मान रखने पर तो अपने पास फतांतर क्या आएगा, फतांतर ये अपने पास क्या आएगा एस टू पी माइनस एस वन पी, एस टू पी क्या है ये रहा डी प्लस एक्स प्लस स्मॉल डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू डी माइनस एस वन पी अपने पास क्या है, ये अपने पास है डी प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू डी, ओके। अब करेंगे इसको ओपन, तो फतांतर अपने पास क्या आएगा डी प्लस, इसको ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्मूले से मैंने इसको ओपन कर दिया माइनस डी, ये भी क्या होगा माइनस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर माइनस एक्स डी, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर कौन सी टर्म कटेगी, डी से डी क्या होगा कैंसिल आउट होगा, ये अपने पास क्या होगा कैंसिल आउट होगा, ये भी क्या होगा कैंसिल आउट होगा, ओके। अपने पास क्या बचेगा, फिर अपने पास फतांतर बचेगा, ये टर्म बचेगा एक्स डी अपॉन कैपिटल टू डी माइनस, माइनस क्या है एक्स डी अपॉन कैपिटल टू डी,
देन आफ्टर पतांतर अपने पास क्या आएगा, एक्स डी अपॉन कैपिटल टू डी प्लस एक्स डी अपॉन कैपिटल टू डी। तो पतांतर अपने पास होगा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। समीकरण चार, ये अपने पास है दोनों तरंगों के मध्य का पतांतर है एट पॉइंट पी, जो कि ओ से क्या है अक्ष दूरी पर है। ठीक है, इसको लिखो पहले, ये अपने पास आया पतांतर। अब देखिए, तो ये अपने पास हो गया पतांतर क्या होता है, ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे देखो, अब निकालेंगे अपन फ्रिंज चौड़ाई। क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे फ्रिंज चौड़ाई या दो फ्रिंजों के मध्य की दूरी। ठीक है, देखिए इस तरह से, पहले बात करेंगे अपन किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। किसके लिए बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो दीप्त फ्रिंज की जब बात करेंगे, ब्राइट फ्रिंज की जब बात करेंगे, इसमें अपने पास फतांतर क्या होता है, फतांतर अपने पास होता है इसके अंदर एन लेमडा। क्या होता है, एन लेमडा अपने पास क्या होता है, फतांतर होता है। ओके, तो अपन ये मानेंगे कि एक अपने पास क्या है, एन वी तरंग है, अपने पास क्या है, एक एन वी तरंग है। ओके, उनसे अपने जो सेंटर अपने पास है, तो अपने पास सेंटर है। ठीक है, सेंटर अपने पास क्या है, उससे एक एक्स एन दूरी पर, एक्स एन दूरी पर यहाँ पर क्या हो रही है, दो तरंगे हैं, इनका अध्यारोपण हुआ है। सेंटर से एक्स एन दूरी पर दो तरंगे, इनका क्या हुआ, अध्यारोपण हुआ है। इन तरंगों का पतांतर अपने पास क्या है, एन लैम्डा। इट मीन्स कालांतर अपने पास क्या होगा, कालांतर अपने पास क्या होगा, टू एन पाई होगा। ओके, देन यहाँ पर अपने को क्या मिलती है, दीप्त फ्रिंज मिलती है। क्या मिलती है, दीप्त फ्रिंज अपने को मिलती है। तो बेसिकली अपने पास क्या है, ये ओ सेंटर है, यहाँ पर दो तरंगे, इनका फतांतर क्या है, एन लेमडा है। ये तरंगे इस एक्स, इस ओ से एक्स एन दूरी पर यहाँ पर अध्यारोपित होती है। क्या होती है, यहाँ पर इनका होता है सुपर इम्पोज। ठीक है, अध्यारोपित होती है, उसके बाद क्या होगा, इनका फतांतर तुरंत पाइए। ओके, तो अगर फतांतर अपने पास इस ऑर्डर का है, तो यहाँ पर अपने को मिलती है एक दीप्त फ्रिंज। क्या मिलती है, एक मिलती है दीप्त फ्रिंज मिलती है। ओके, तो अपन मान निकालेंगे एक्स एन का, एक्स एन का मान निकालेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करेंगे अपन दूसरी फ्रिंज की, किसकी, अगर अपने पास क्या हो, ये ओ सेंटर है, एंड दूसरी अपने पास फ्रिंज मिलती है यहाँ से एक्स एन प्लस वन डिस्टेंस पर। इससे इस ओ से मिलती है एक्स एन प्लस वन डिस्टेंस पर। ठीक है, इस केस में अपन निकालेंगे कि अपने पास एक्स एन प्लस वन आएगा, माइनस एक्स एन करेंगे। एक्स एन प्लस वन अपने पास क्या है, ये अपने पास है दूसरी फ्रिंज है, एक्स एन अपने पास क्या है, पहली दीप्त फ्रिंज है। तो इनके मध्य का अपन निकालेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, तो अपने पास क्या आएगी, ये अपने पास है दीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी, या बोल सकते हैं ये अपने पास क्या, डार्क है, तो डार्क फ्रिंज चौड़ाई। ओके, तो ये अपने पास जब करेंगे अपन एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा दीप्त फ्रिंजों की दूरी या अंतराल, या अपने पास क्या है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अपने पास है। सेम करेंगे अपन अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो जब निकालेंगे अपन अदीप्त फ्रिंज अंतराल, क्या निकालेंगे, अदीप्त फ्रिंज अंतराल। ओके, अब देखो इस तरह से, सेंटर ओ अपने पास है, इस तरह से अपने पास दो तरंगे हैं, वो तरंगे क्या कर रही हैं, इस एक पॉइंट के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, पी पॉइंट के ऊपर। इसकी दूरी अपने पास क्या है, एक्स एन डेस है, ये अपने माने, दूरी अपने पास क्या है, एक्स एन डेस अपने पास है।
ठीक है। ओके अब देखो, अगर इनका पथांतर क्या हो अपने पास एन प्लस हाफ लेमडा इस ऑर्डर का हो, मीन्स लेमडा बाय टू, थ्री लेमडा बाय टू, फाइव लेमडा बाय टू इस ऑर्डर का हो, अगर अपने पास पथांतर क्या हो ये हो, ओके। इन द केस अपने पास पी पॉइंट है, यहाँ पर अपने को मिलती है एक अदीप्त फ्रिंज है, क्या मिलती है एक अदीप्त फ्रिंज मिलती है, ठीक है। तो ये अपने पास दीप्त है, ये अपने पास क्या अदीप्त फ्रिंज है, ओके। अब देखो, अब बात करेंगे अपन कि अगर अपने पास एक पी पॉइंट क्या है, अगर अपने को एक तरंग जो फ्रिंज अपने को मिल रही है वो मिल रही है अक्स एन प्लस वन दूरी पर, फ्रिंज मिल रही है अपने को एक्स एन प्लस वन दूरी, मीन्स यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर अपने पास क्या आ रही है तरंगे अध्यारोपित हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर अपने को मिलती है एक अदीप्त फ्रिंज, दूसरी मिलती है अदीप्त फ्रिंज, ओके। तो पहले अपने को मिली ये अदीप्त अदीप्त ये दीप्त, यहाँ पर अपने को मिली है दूसरी अदीप्त फ्रिंज, इसके अपने पास दूरी है एक्स एन डेज, इसकी क्या है एक्स एन प्लस वन डेज। तो जब अपन निकालेंगे इनके बीच की दूरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी या अदीप्त फ्रिंज अंतराल, तो वो अपने पास इस तरह आएगा और ये किसके बराबर है, देखो इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, वन सेकेंड, देखो इस तरह से, अब देखो ये अपने पास क्या है ब्राइट है, ये डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। अब दो ब्राइट के बीच की अपने पास दूरी कितनी है, ये अपने पास है अक्स एन प्लस वन माइनस अक्स एन बीटा के बराबर है, ठीक है। और ये अपने पास है दीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी, मतलब दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी या दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज अंतराल, ओके। अब देखो तो ये बराबर होगा अपने पास, ये क्या है डार्क है, अंदर देखो डार्क है, ये किसके बराबर होगी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होगी, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होगी। अब देखो बात करते हैं बीटा डेज की, ये बीटा डेज अपने पास होगा, तो दो क्रमागत डार्क फ्रिंज, देखो ये डार्क है ये भी डार्क है, इनके बीच की दूरी अपने पास क्या है बीटा डेज है एक्स एन प्लस वन डेज माइनस एक्स एन, और ये बराबर अपने पास किसके दीप्त फ्रिंज चौड़ाई के, देखो ये अपने पास क्या है चौड़ाई है दीप्त फ्रिंज की, तो ये बराबर होती है दीप्त फ्रिंज चौड़ाई के, ओके। तो बीटा क्या आएगा अपने पास देखेंगे अपन आगे, बीटा क्या होगा बीटा डेज के बराबर होगा, इससे अपन ये बोल सकते हैं कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त जो अपने पास फ्रिंज है उसकी चौड़ाई क्या होगी, दोनों इक्वल होंगी, दोनों अपने पास क्या होगी बराबर होगी, ओके। दोनों फ्रिंज की चौड़ाई अपने पास क्या आएगी बराबर आएगी, देखो आगे इस चीज़ को अपन फाइंड आउट करेंगे। यहां पर बनाते हैं अपन दीप्त और अदीप्त फ्रिंज, और ये अपने पास है फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न आपको भी बनाना है, ओके। अब देखो आगे, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, देखो यदि पथांतर अपने पास क्या हो, पथांतर क्या हो अपने पास लेमडा का पूर्ण गुण जो मीन्स एन लेमडा हो, यदि पथांतर, यदि दो तरंगों के मध्य का पथांतर
लेमडा का क्या हो अपने पास? पूर्ण गुण जो, लेमडा का पूर्ण गुण जो। हाँ तब दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। हाँ तब क्या होती है अपने को? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ओके देखो तो पथांतर अपने पास क्या होगा? एन लेमडा होगा। ओके एन यहाँ पर अपने पास क्या है? 0 1 2 3 इस तरह है। एन अपने पास क्या है? 0 1 2 3 इस तरह से। आगे देखिए और कालांतर अपने पास क्या होगा? कालांतर अपने पास क्या होगा? वो होगा 2n पाई। क्या होगा? 2n पाई होगा। अब देखो समीकरण, आप फोर को, ये अपने पास क्या? पथांतर है। तो दीप्त फ्रिंज के लिए अपने पास पथांतर क्या होगा? एन लेमडा होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगी एन लेमडा। क्या लिखूंगी? एन लेमडा लिखूंगी। माना एन वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति अपने पास क्या है? अक्ष एन है। तब समीकरण चार से पथांतर क्या है? एन लेमडा इक्वल एक्स एन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी अपने पास इस तरह से। तो यहां से एक्स एन क्या आएगा? एक्स एन अपने पास ये लेमडा है। एक्स एन आएगा एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इस तरह से। एंड एन प्लस वन वी दीप्त फ्रिंज इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास क्या होगी? एक्स एन प्लस वन होगी। क्या होगी? एक्स एन प्लस वन भी होगी। तो एन की जगह लिखेंगे एन प्लस वन स्मॉल सॉरी लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इस तरह। ये अपने पास स्थिति है किसकी? दीप्त एन प्लस वन में दीप्त फ्रिंज की। और ये अपने पास क्या है? एन में दीप्त फ्रिंज की है। ओके अब निकालेंगे अपन बीटा। बीटा क्या होता है? एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन होता है। ओके तो बीटा दीप्त फ्रिंज दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों का फ्रिंज अंतराल ये होगा अपने पास बीटा। और बीटा अपने पास क्या होगा? एक्स एन प्लस वन माइनस होगा एक्स एन। ओके एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन ये अपने पास क्या है? एन प्लस वन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहां से क्या होगा? ये एक टर्म तो कट जाएगी एंड देन आफ्टर अपने पास बचेगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। समीकरण पांच। अब ये अपने पास है दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों का फ्रिंज अंतराल, ये इसको बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है तो ये अपने पास क्या हुई है? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। ओके तो अतः दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों का फ्रिंज अंतराल
या फिर एडिट फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, एन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, या एडिट फ्रिंज की चौड़ाई एन पर निर्भर नहीं करती है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, लेमडा कैपिटल डी अपॉन और स्मॉल डी के। ओके, तो अगर लेमडा ज़्यादा होगा, अगर अपने पास लेमडा ज़्यादा हो या कैपिटल डी ज़्यादा हो तो बीटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट अगर डी अपने पास स्मॉल डी ज़्यादा हो तो बीटा क्या होगा, कम होगा अपने पास, क्यों, क्योंकि ये होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो, तो ये अपने पास हो गया दीप्त फ्रिंज के लिए। अब सेकेंड अपना पॉइंट है किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। अब देखो इसमें क्या होता है, अपने पास अदीप्त फ्रिंज अपने पास होती है, उसका पथांतर क्या होता है, वो अपने पास होता है n प्लस वन लेमडा होता है, मीन्स लेमडा बाई टू, थ्री लेमडा बाई टू, फाइव लेमडा बाई टू, इस ऑर्डर का होता है। ओके, इस केस में अपन निकालेंगे अदीप्त फ्रिंज जो अपने पास है, दो रेगुलर या दो क्रमागत, दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों की जो अपने पास फ्रिंज का अंतराल होगा वो निकालेंगे, वो बराबर होगा अपने पास दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के, किसके बराबर होगा, ब्राइट फ्रिंज की अपने पास वो विड्थ होगी उसके बराबर होगा। ओके, देखो इस तरह से, यदि यदि दो तरंगों के मध्य पथांतर एन प्लस हाफ लेमडा हो, तब क्या होता है, अपने को मिलती है एक डार्क फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज अपने को मिलती है, तब अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। पथांतर क्या है, एन प्लस हाफ लेमडा, ये अपने पास क्या है, एन प्लस हाफ लेमडा अपने पास, एन अपने पास क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से। ठीक है, आगे देखो, एन वी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति अपने पास क्या है, फ्रिंज की स्थिति अपन मानेंगे एक्स एंड डेज है, तथा एन प्लस वन वी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, एक्स एन प्लस वन डेज अपने पास होगी। ओके, तथा एन प्लस वन वी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति एक्स एन प्लस वन डेस है, तब समीकरण चार से पथांतर क्या है, पथांतर अपने पास है एन प्लस वन, एन प्लस हाफ लेमडा है, पथांतर क्या है, एन प्लस हाफ लेमडा इक्वल एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी है, ये अपने पास क्या एक्स एन डेस है, एन वी अदीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति अपने पास क्या है, एक्स एंड डेस है, तो यहाँ से एक्स एंड डेस क्या आएगा, एक्स एंड डेस आएगा एन प्लस हाफ लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये अपने पास आएगा। ओके, एंड एक्स एन प्लस वन क्या होगा, एन प्लस वन वी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति अपने पास है, यहाँ पर क्या करेंगे, एन की जगह करेंगे एन प्लस वन प्लस हाफ लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये होगा अपने पास एन प्लस थ्री बाई टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब निकालेंगे अपन बीटा डेस, बीटा डेस अपने पास क्या है, ये अपने पास है
दो रेगुलर अदीप्त फ्रिंज का फ्रिंज अंतराल या बोल सकते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अपने पास। ओके, तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज अपने पास है, उनका फ्रिंज अंतराल अपने क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो इस तरह से दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज का फ्रिंज अंतराल ये अपने पास क्या होगा, बीटा डेस होगा, एक्स एन प्लस वन डेस माइनस एक्स एन डेस। तो इसका मान अपने पास ये रहा एन प्लस थ्री बाई टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस एक्स एन अपने पास क्या होगा एन प्लस हाफ लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इस तरह से। तो बीटा डेस क्या होगा एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बाई टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस लेमडा कैपिटल डी अपॉन टू डी इस तरह से। अब यहाँ पर कौन सी टर्म कटेगी देखो, तो यहाँ पर अपने पास कटेगी एक तो ये एक ये, ओके, एंड बचेगा अपने पास बीटा डेज इक्वल थ्री बाई टू लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी लेमडा कैपिटल डी अपॉन टू डी। तो बीटा डेज यहाँ पर कॉमन लेंगे लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू कितना होगा, अपने पास बचेगा एक। तो बीटा डेज अपने पास क्या आएगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब देखो ये भी अपना एन के ऊपर निर्भर नहीं करता, इसको ध्यान से देखो ये भी एन के ऊपर निर्भर नहीं करता। बीटा डेस अपने पास क्या है दीप्त फ्रिंज चौड़ाई है। आप इस दीप्त और अदीप्त में कंफ्यूज मत होना, ओके, ये अपने पास क्या है दीप्त की फ्रिंज की चौड़ाई है, अदीप्त की नहीं है। ओके, अदीप्त की अपने पास पहले आई थी। अब देखो तो फ्रिंज चौड़ाई अपने पास वो क्या बराबर है, अतः अदीप्त व दीप्त फ्रिंज फ्रिंजों की चौड़ाई समान है। तथा यह अपने पास एन के ऊपर निर्भर नहीं करती, तथा यह एन पर निर्भर नहीं करती है। तो ये अपने पास कंप्लीट हो गया फ्रिंज विस्थापन या फ्रिंज चौड़ाई अपने को निकालना था, वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। इसमें अपन ने ये फाइंड आउट किया है कि जो तो अपने पास फ्रिंज चौड़ाई है दीप्त और अदीप्त की वो एन के ऊपर निर्भर नहीं करती है और वो दोनों रहती है बराबर। दीप्त के लिए जो अपने पास चौड़ाई आई है वो बराबर रहती है अदीप्त की चौड़ाई की। ओके, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।